Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Today we are going to start our lecture number 7 of science subject. This is your book of science, class 1. Open your book, page number 45, unit number 7. इससे पहले दो तीन यूनिट्स हमने बीच में स्किप किए हैं, तो वो स्किप करके आप यूनिट नंबर 7 पर आएंगे. यूनिट नंबर 7, द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ दी सन एंड दी स्टार्स, टी एच ई डी एस यू एन, सन ए एन डी एन टी एच ई डी एस टी ए आर एस, स्टार्स. ये आपको एक नीचे पिक्चर में भी लगा नज़र आ रहा है, एक बहुत ही तेज़ लाइट वाली चीज़ गोल सी आपके सामने है. ये क्या है? सन, टी एच ई डी एस यू एन, सन, दी सन. टर्न द पेज, पेज नंबर 46. ऑन पेज नंबर 46 स्टार्ट रीडिंग. टी एच ई डी एस यू एन, सन, आई एस एज आई एन एन टी एच ई डी एस के वाई, स्काई, द सन इज इन द स्काई. जो सूरज होता है वो आसमान के ऊपर होता है. वी डब्ल्यू ई वी सी ए एन कैन एस डबल ई सी टी एच ई डी एस यू एन सन आई एन एन टी एच ई डी डी ए वाई डे टी आई एम ई टाइम. वी कैन सी द सन इन द डे टाइम. हम किस टाइम सूरज को देखते हैं? हम सूरज को देखते हैं दिन के वक्त. टी एच ई डी एस यू एन सन आई एस इज आ बी आई जी बिग बी ए डबल एल बॉल ओ एफ ऑफ एच ओ टी हॉट जी ए एस ई एस गैसेज. द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेज. जो सूरज है वो एक बहुत बड़ी गेंद की तरह का है. हॉट गैसेज गर्म गैसों से बना होता है. आई टी एट जी आई वी ई एस गिव्स इट गिव्स ओ डबल एफ ऑफ बी आर आई जी एच टी ब्राइट एल आई जी एच टी लाइट. इट गिव्स ऑफ ब्राइट लाइट. ये बहुत तेज़ रोशनी देता है. टी एच ई डी ई ए आर टी एच अर्थ जी ई टी जी ई टी जी ई टी एस गेट्स एच ई ए टी हीट ए एन डी एंड एल आई जी एच टी लाइट एफ आर ओ एम फ्रॉम टी एच ई डी एस यू एन सन. द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. जो ज़मीन है हमारी जिसमें हम रह रहे हैं, ये क्या है? अर्थ. ये कहाँ से हरारत और रोशनी हासिल कर रही है? सूरज से, सन से. टी एच ई डी एस यू एन सन आई एस एज वी ई आर वाई वेरी एफ ए आर फार एफ आर ओ एम फ्रॉम टी एच ई डी ई ए आर टी एच अर्थ. द सन इज़ वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. जो सूरज है वो बहुत दूर है हमारी ज़मीन से. आपको ये नीचे डायग्राम में शो हुआ है, एक कोने पे सूरज है और दूसरे पे अर्थ है, तो इनमें काफ़ी सारा डिस्टेंस शो कर रहा है कि रियल में भी इनमें बहुत सारा डिस्टेंस है, डिफरेंस है. टी एच ई डी ई ए आर टी एच अर्थ जी ई टी एस गेट्स एच ई ए टी हीट ए एन डी एंड एल आई जी एच टी लाइट एफ आर ओ एम फ्रॉम टी एच ई डी एस यू एन सन. द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम दी सन. जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारी ज़मीन है, अर्थ है, वो कहाँ से हरारत और रोशनी ले रही है? सूरज से. ऑन पेज 47, अब हमने सन के बारे में कुछ पढ़ा. नाउ लेट्स रीड सम नॉलेज अबाउट, सम इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्स. एस टी ए आर एस स्टार्स. डब्ल्यू ई वी सी ए एन कैन एस डबल ई सी एस टी ए आर एस स्टार्स ए आई एन एन टी एच ई डी एस के वाई sky at night. night we can see stars in the sky at night. हम सितारे किस टाइम देख सकते हैं? रात के वक्त. आसमान की तरफ जब हम ऊपर देखें तो हमें छोटी छोटी चमकती हुई रोशनी नज़र आती है, तो वो रोशनी क्या होती है? स्टार. जैसे कि ये आपको एक पिक्चर में भी नीचे दिखाया हुआ है, ये सब छोटे छोटे ये जो चमकदार सी चीज़ें हैं, ये क्या हैं? स्टार्स, जो हमें लाइट दे रही हैं. एस टी ए आर एस स्टार्स ए आर ई आर वी ई आर वाई वेरी एफ ए आर फार ए डब्ल्यू ए वाई अवे. स्टार्स आर वेरी फार अवे. जैसे सूरज ज़मीन से बहुत दूर है, इसी तरह जो सितारे हैं वो भी ज़मीन से बहुत दूर हैं. एस टी ए आर एस स्टार्स ए आर ई आर बी आई जी बिग बी ए डबल एल एस बॉल्स ओ एफ ओ बी यू आर एन आई एन जी बर्निंग जी ए एस ई एस गैसेज. जैसे सूरज एक गरम गैसों से मिलके बना है, इसी तरह जो स्टार्स हैं वो भी एक बड़े बड़े बॉल्स होते हैं
लेकिन सूरज से ये छोटे होते हैं और ये भी जो है ये भी बर्निंग गर्म गैसेस होती हैं, जलती हुई गैसेस होती हैं। एस टी आर एस स्टार्स जी आई वी ई गिव ओ डबल एफ ऑफ हीट एच ई ए टी हीट ए एन डी एंड एल आई जी एच टी लाइट। स्टार्स गिव ऑफ हीट एंड लाइट। स्टार्स भी जो है वो हमें हरारत और रोशनी देते हैं टी एच ई डी एस यू एंड सन आई एस इज आ एस टी ए आर स्टार। द सन इज़ अ स्टार। जो सूरज है वो भी एक सितारा है। एस टी ए आर एस स्टार्स ए आर ई आर बी आई जी बिग बी ए डबल एल एस बॉल्स ओ एफ ऑफ बी यू आर एन आई एन जी बर्निंग जी ए एस ई एस गैसेज। स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेज। जो सितारे हैं वो भी गैसों जो जलती हुई गैसें होती हैं उनसे मिलके बनते हैं। यहाँ पर आपकी इस चैप्टर की रीडिंग एंड हो गई है। इस चैप्टर को रीड आउट कर पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर कुछ आपको वर्क दिया हुआ है, एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? नंबर वन पे एफ आई डबल एल फिल आई एन एन टी एच ई डी बी एल ए एन के एस ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है वी कैन सी दी डैश इन द डे टाइम। हम दिन के टाइम क्या चीज़ देखते हैं? एस यू एन सन। डैश में क्या आएगा? ब्लैंक में सन, सूरज। हमें दिन के टाइम सूरज नज़र आ रहा होता है आसमान पर। टी एच ई डी एस यू एन सन आई एस इज वेरी वी ई आर वाई वेरी डैश फ्रॉम द अर्थ। द सन इज़ वेरी डैश फ्रॉम द अर्थ। सूरज ज़मीन से बहुत दूर है, यही हमने पढ़ा है। तो यहाँ इस ब्लैंक में क्या आएगा? एफ ए आर फार, दूर। दी सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ हॉट। सूरज किस चीज़ से मिलके बना है? हॉट गैसेस से। द सन गिव्स ऑफ ब्राइट एल आई जी एच टी लाइट। वी कैन सी डैश इन द स्काई एट नाइट। रात के टाइम हमें क्या, रात के वक्त हमें क्या चीज़ नज़र आती है? स्टार्स। टिक अंडर येस और नो। वी कैन सी स्टार्स इन द डे टाइम, येस और नो। दिन के टाइम तो हमें स्टार्स नहीं नज़र आते, तो नो में टिक करें। स्टार्स आर नियर द अर्थ। स्टार्स ज़मीन से बहुत नज़दीक हैं, नहीं बहुत दूर हैं, तो ये भी नो के ब्लॉक में टिक होगा। स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेज, येस। ये टिक येस वाले में लगेंगे। स्टार्स डू नॉट गिव ऑफ लाइट। स्टार्स जो हैं वो हमें रोशनी नहीं देते, ये भी नो में टिक होगा। हमें स्टार्स रोशनी और हरारत देते हैं। द सन इज़ अ स्टार। सूरज भी एक सितारा है, तो ये भी टिक येस पर लगेगा। बुक वर्क के बाद चले आएँ आप कुछ रिटर्न वर्क करते हैं। अपनी रिटर्न कॉपीज़ ओपन करें। डेट डे लिखें, क्लास वर्क लिखें। फर्स्ट लाइन में द सन एंड द स्टार लिखें। चैप्टर नेम करेक्शन का कॉलम बनाएं राइट साइड पे। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए एन एस डब्ल्यू ई आर आंसर टी एच ई डी एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी फॉलोइंग क्यू यू ई एस टी आई ओ एन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर डी ओ ई एस डज टी एच ई डी ई ए आर टी एच अर्थ जी ई टी एस गेट्स एच ई ए टी हीट ए एन डी एंड एल आई जी एच टी लाइट। वेयर डज द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट। जो ज़मीन है वो कहाँ से रोशनी और हरारत हासिल करे? द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। डी टी एच ई डी ए ए आर टी एच अर्थ जी ई टी एस गेट्स एच ई ए टी हीट एंड ए एन डी एंड एल आई जी एच टी लाइट एफ आर ओ एम फ्रॉम टी एच ई डी एस यू एन सन। एंडिंग लाइन लगाए उसके बाद। क्वेश्चन नंबर टू है डब्ल्यू एच ए टी वर्ट ए आर ई आर टी एस टी ए आर एस स्टार्स। वट आर स्टार्स? स्टार्स क्या होते हैं? एस टी ए आर एस स्टार्स ए आर ई आर बी आई जी बी बी ए डबल एल एस बॉल्स ओ एफ ऑफ बी यू आर एन आई एन जी बर्निंग जी ए एस ई एस गैसेज। स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेज। ये इसका आंसर है। एंडिंग लाइन लगाएं उसके बाद। क्वेश्चन नंबर टू है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का नंबर वन है डब्ल्यू एच ए टी वट आई एस एस टी एच ई डी एस एच ए पी ई शेप ओ एफ ऑफ टी एच ई डी एस यू एन सन। वट इज़ द शेप ऑफ द सन? नंबर फर्स्ट ऑप्शन है इसका आर ओ यू एन डी राउंड। सेकेंड ऑप्शन है ओ वी ए एल ओवल। थर्ड है एस क्यू यू ए आर ई स्क्वेयर। तो राउंड वाला ठीक है, तो उसके ऊपर आपने टिक मार्क लगाना है। सेकेंड है डब्ल्यू एच ई वैन वी डब्ल्यू ई वी एस वी सी ए एन सी ए एन कैन एस डबल ई सी डी टी एच ई डी एस टी ए आर एस स्टार्स। वैन वी कैन सी दी स्टार्स, कब हम स्टार्स को देखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डी ए वाई डे। सेकेंड है ई वी ई एन आई एन जी इवनिंग।
थर्ड है एन आई जी एच टी नाइट। तो हम किस टाइम सितारों को स्टार्स को देखते हैं? रात के वक्त। तो नाइट के सामने आपने टिक मार्क लगा देना है। यहाँ पे इस चैप्टर का रिटर्न वर्क भी एंड हो गया। आपने इसको अपने नोट कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन करना है। यहाँ तक आपका फर्स्ट टर्म एंड हो गया है, जिसमें फोर चैप्टर्स इंक्लूड हैं। जो चीज़ आपको समझना आए आप स्कूल से पता कर सकते हैं। और सब काम आपने अपनी कॉपीज़ पर सारे चैप्टर्स का करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।